सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा का मेट्रो का वर्चुअल शिलान्यास करने पहुंचे, जहां अधिवक्ताओं ने कहा कि सीएम को मेट्रो अत्यधिक जरूरी नजर आती है, लेकिन हाईकोर्ट बेंच, रबर डैम, आगरा में बैराज, इन सभी मुद्दों को नजरअंदाज करते हुए नजर आते हैं, जबकि यह सबसे ज्यादा जरूरी काम है। मैं आगरा कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन अध्यक्ष बीरेन्द्र सिंह रावत इस मौके पर कि योगी जी आगरा में आगमन हो रहा है, योगी जी से मांग करता हूं कि जो आगरा में विचाराधीन मूलभूत योजनाएं हैं वो योजनाएं ठप पड़ी हुई हैं, उन योजनाओं पर कार्य करने की ज़रूरत है। इसमें मुख्यतः जो मुद्दा है अधिवक्ताओं का वो आगरा में इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापना करने का है, जिसका वादा कई बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की कर चुकी है। योगी जी ने भी पिछले दौरे में मेरे को खुद ही आश्वासन दिया था कि इस मुद्दे पर कोई बड़ा निर्णय लेंगे। दूसरा, सिविल इंक्लेव का की स्थापना का मुद्दा अटका पड़ा हुआ है, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, बाउंड्री कर दी गई है लेकिन कोई भी फर्दर कार्रवाई नहीं होती। तीसरा मुद्दा डैम का है, आगरे में डैम का भी उद्घाटन हुआ था पहले, तो वो भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब उद्घाटन आज मेट्रो रेल का हो रहा है, तो पिछले तीन मुद्दे उठाए जाना मेरे लिए आवश्यक है। तीनों मुद्दे ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाए गए थे और उन मुद्दों पर आज कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो हम लोग मांग करते हैं कि जो मुद्दे पुराने हैं उनकी तरफ भी योगी जी ध्यान दें, हाईकोर्ट की खंडपीठ आगरा में स्थापना के लिए कुछ ऐसे कदम उठाएं जिससे यहाँ के जनता को सस्ता, शीघ्र और सुलभ न्याय मिल सके। हमारी सबसे मुख्य जो मांग है वो ये है कि आगरा में हाईकोर्ट की स्थापना होनी चाहिए। तो आगरा में हाईकोर्ट की स्थापना के लिए जसवंत सिंह आयोग गठित किया गया था, जसवंत सिंह ने रिपोर्ट दी आयोग ने कि आगरा में हाईकोर्ट अनिवार्य है। सन 1985 से लेकर इस रिपोर्ट के बाद में वकील आज तक दीवानी कलेक्ट्री के हर शनिवार को 85 से आज तक हड़ताल पर चल रहे हैं। उसके बावजूद भी पिछली बार सरकार बीजेपी की आई, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश थे, तो 2001 में इतना जबरदस्त चार्ज हुआ जिसमें सैकड़ों वकील डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराने पड़े। डिस्ट्रिक्ट जज में उन्होंने बताया कि मैं जज हूँ, उसके बाद भी उनकी उंगली तोड़ दी पुलिस ने। इस लाठीचार्ज के बावजूद भी आज तक कुछ ही हो नहीं पाया। खाली मेट्रो हमारा मुद्दा नहीं, मुख्य मुद्दा गरीब को न्याय मिल सके, गरीब को सहूलियत मिल सके, जिससे आगरा में हाईकोर्ट की स्थापना की बेस्ट हो सके। आगरा के अधिवक्ताओं की एक ही पहली मांग है कि वी वांट टू हाईकोर्ट आगरा। आगरा में हाईकोर्ट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ ब्रिटिश सरकार से ही पहले हाईकोर्ट चलता था, उसके बाद हाईकोर्ट को वहाँ ले जाया गया इलाहाबाद। इलाहाबाद ले जा करके यहाँ की जनता को न्याय नहीं मिल पाता, इसलिए यहाँ पर हाईकोर्ट का होना अनिवार्य है, क्योंकि गरीब जनता को हाईकोर्ट जाने में काफ़ी परेशानी होती है। 450 से 500 किलोमीटर तक जाने आने में काफ़ी परेशानी होती है, जिससे रात पूरी लगती है और अधिवक्ताओं का भी समय बर्बाद होता है, इसलिए हाईकोर्ट आगरा में होना अनिवार्य है। योगी जी से यही मांगे कि हाईकोर्ट आगरा में एक बेंच बना दी जाए, जिससे कि आम जनता को न्याय मिलने में सहूलियत हो सके।